हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तरन सर क्लास आज आपके लिए लेकर आए हूँ डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो और इससे पहले जिन चैप्टर्स की वीडियोस आपको दे चुका हूँ उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप डायरेक्ट जो है प्ले सेक्शन में विजिट कर सकते हैं और आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरनसल ब्लॉक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाट इज सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है कि जो सोशल मॉडल है डेवलपमेंट का वो क्या हो सकता है तो सोशल मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग की ही एक फॉर्म होती है इट हैज़ बीन ए लार्ज इंडस्ट्री फॉर समाइम ना हो और काफी टाइम से अगर इसको देखें तो लार्ज इंडस्ट्री है ये सो सोशल मार्केटिंग सीक्स टू डेवलप एंड इंटीग्रेट मार्केटिंग कन्सेप्ट विद अदर अप्रोचेज टू सोशल चेंज और जो सोशल मार्केटिंग है उसका मेन मोटिव क्या होता है डेवलप करना इंटीग्रेट करना मार्केटिंग कंसेप्ट को और दूसरी अप्रोचेज के साथ जो कि सोशल चेंज से कनेक्टेड है तो सोशल मार्केटिंग एम्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फॉर द ग्रेटर सोशल गुड तो ग्रेटर सोशल गुड जो होती है ना कॉम्युनिटी की उसके लिए काम करती है एक्चुअल में ये इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करेगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सोशल मॉडल डेवलपमेंट जो है ये बहुत जरूरी भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ मार्केट मॉडल मार्केट मॉडल के टू फीचर्स बताने हैं तो उस पहला फीचर क्या है ग्रोइंग प्रोडक्ट्स फॉर नॉट पर्सनल कंजप्शन बट टू सेल देम इन द मार्केट प्रोडक्ट को अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज ना करके मार्केट में सेल करना और देर इज नो कंट्रोल ओवर देम व्हेन द इंडस्ट्री इज इस्टैब्लिश बाय द इंडस्ट्रीज और फिर दूसरी बात क्या हो जाती है कि आ, कोई लिमिट एक्चुअल में नहीं होती जब कोई इंडस्ट्रीज इसको इस्टेब्लिश करते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो हो ही जाता है इसमें ऐसे क्वेश्चन थ्री है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट आपको वेलफेयर स्टेट का मतलब बताना है जो वेलफेयर स्टेट है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफिंग ऑफ द दिटीजन और बेस किस पर होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अब देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि हर किसी को एक जैसा चांस मिले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो प्रॉपर प्रॉपर होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन और अनेबल टू अवेल अवेल्स ऑफ द मिनिमल प्रोविजन फॉर ए गुड लाइफ और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अच्छी लाइफ जीने के वो नहीं है तो उनको भी हेल्प करना ये इसका मेन मोटिव होता है वेलफेयर स्टेट का इसका जो काम करना है वो ये होता है स्टेट टू फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स में आपको आंसर दे दिया मैंने टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी और टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस तो ये दोनों चीजें इसकी जो है वो आ जाती हैं ऐसे क्वेश्चन फाइव है राइट द दिन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये इसका मतलब क्या होता है गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग सेलियन फीचर्स इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कम्पलीट एंड पावर्स विद ईच विलेज एक्टिंग एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सफिशियंट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट यानी किसके लिए स्टैंड करेगा कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो फंक्शंस हैं पावर्स हैं हर विलेज के लिए जो सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सफ़िशिएंट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट मस्ट इंश्योर फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल तो डेवलपमेंट को ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि सबको फूड मिले क्लोथिंग मिले शेल्टर मिले एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी मिले आप चलते हैं क्वेश्चन सिक्स के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि डेवलपमेंट का मतलब बताइए तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल इकोनॉमिक एन्वायरमेंट सोशल एंड डेमोग्राफिक कॉम्पोनेट तो सारे आस्पेक्ट इसमें कवर हो गए कि आपकी डेवलपमेंट आपका विकास कैसे है जब ग्रोथ होगी पॉजिटिव चेंज होगा फिजिकल इकोनॉमिक एन्वायरमेंट सोशल एंड डेमोग्राफिक कॉम्पोनेंट के साथ साथ तो द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट इज ए राइज इन द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलशन एंड द क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लोकल रीजनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्स ऑफ द इन्वायरमेंट तो देखो आप इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे लेकिन सबका ध्यान भी रखा जा रहा है तो ये इसमें जरूरी है और डेवलपमेंट विजिबल है यूजफुल है नॉट नेसेसरली इमीजिएटली एंड इंक्लूड्स एन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी चेंज एंड क्रिएशन ऑफ कंडीशंस फॉर ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द चेंज अब ये नहीं है कि डेवलपमेंट आपको एक सेकंड में नजर आ जाएगी नहीं कई बार क्या होता है ये प्रोसेस काफी लेंदी होती है जैसे सपोज अगर हमने किसी एरिया को अच्छा बनाना है वहां फ्लाई ओवर बना रहे हैं तो फ्लाई ओवर को बनने में ही टाइम लग जाता है इमीजिएटली आपको नहीं नजर आएगा वो चेंज बट धीरे 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 जब काम चलता रहेगा तो वो आपको विजिबल भी होगा क्वेश्चन सेवन है एक्सप्लेन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक एंड इकोनॉमी आप पॉलिटिक और इकोनॉमी के टर्म में बताइए डेवलपमेंट का मतलब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच ए नेशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल आप तीनों चीजें इकोनॉमिक भी राजनीति यानी ये आर्थिक हो गई है आपकी राजनीतिक हो गई है सामाजिक हो गई तो सब तरीके से लोगों का भलाव द टर्म हैज़ बीन यूज फ्रिक्वेंटली बाई इकोमिक्स पोलिटिशियंस एंड अदर्स इन द ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस है इन द बेस्ट फोर सेंचुरीज यानि ये पश्चिम के देशों में तो बहुत सेंचुरीज ही है जो पोलिटिकल डेवलपमेंट इज अ मोर इल्यूसिव कंसेप्ट दैन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज मोर कॉन्ट्रोवर्शल इन नॉर्मेटिव टर्म्स एंड मोर डिफिकल्ट टू मेजर इन एम्पेरिकल एंड ऑपरेशनल टर्म्स तो दोनों तरीके से देखो इसको जज करना बहुत ही डिफिकल्ट है इट इज यूज फ्रीक्वेंटली बाई बोथ नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव और एग्जिस्टेंशियल थिंकर सो नॉर्मेटिव थियरिस्ट क्या किस बात पे स्ट्रेस देते हैं दैट ए पोलिटिकल सिस्टम डेवलप्स एज इट अप्रोचेज द गुड पोलिटिकल ऑर्डर तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि इसका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऐसी जो है जो डेवलपमेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं इस क्वेश्चन में तो देखो जो डेवलपमेंट मॉडल डेवलपमेंट आई वुड बी टू असेस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मूव अवे फ्रॉम हाई कॉस्ट इकोलॉजिकली इम्बेलेंसड या टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वे ऑफ डेवलपमेंट जो है इसे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए तो यूज़ करना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का शुड बी प्रमोटेड वो होना चाहिए एफर्ट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग या सोलर या बायोगैस प्लांट्स या कंपोस्ट पिट्स दे आर एक्टिविटीज विच शुड बी प्रमोटेड एट लोकल लेवल ऐसी जो है इंस्टेड ऑफ मेगा डैम्स जो हैं छोटे चुछ छोटे डैम होने चाहिए ताकि जो है कम से कम लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो और इसके अलावा यूज ऑफ नॉन रीनबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी शुड जो जो है यानी सिमिलरली यूज़ ऑफ नॉन रिनल रिसोर्स शुड बी कंज्यूम्ड थोड़ा सा उसको कम करें हम जो नॉन रिनीबल रिसोर्सेज हैं तो इससे क्या होगा हमारा एक बैलेंस बन जाएगा और कम से कम हम कहेंगे डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पहले डेवलपमेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था ये वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है तो द वेलफेयर स्टेट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफिंग ऑफ इट सिजन और वो किस पर बेस करेगी अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का और पब्लिक रिस्पॉसबिलिटी बहुत अच्छी है फॉर सिटीजनएल टू अवेल ऑफ द मिनिमल प्रोविजन फॉर ए गुड लाइफ जो अच्छी लाइफ जीने जीने के हकदार हैं बट उनको नहीं मिल रही तो उनके बारे में सोचना जैसे सोशोलॉजिस्ट हैं टी एच मार्शल वो डिस्क्राइब करते हैं मॉडर्न वेलफेयर स्टेट एज अ डिस्टिंगटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी वो कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है डेमोक्रेसी वेलफेयर और इवन कैपिटलिज्म का तीनों का ये मिक्सचर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन फोर डेवलपमेंट वर्क ऑफ द वेलफेयर स्टेट डेवलपमेंट मॉडल जो है तो इसमें सबसे पहला क्या है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यानी जो वेलफेयर स्टेट है इस डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल लोगों के भले के बारे में सोचती है इट सीक्स टू प्रोवाइड मिनिमम फैसिलिटीज टू ऑल पीपल टू रिमूव पॉवर्टी अब देखो इसका मेन मोटिव क्या है कि कम से कम जो फैसिलिटी दी जा सकती है ना वो मिले उन्हें गरीबी ना हो हंगर या अनएम्प्लॉयमेंट ना हो एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर और इसका एम क्या है एट इस्टैब्लिशिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टैब्लिश करना ही इसका मेन एम है सेकेंड पॉइंट है ये कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म अब देखो इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो सोशलिज्म जो होता है पूरी सोसाइटी के बारे में द वेलफेयर स्टेट वाइल अवॉइडिंग द टू एक्सट्रीम थियरीज नेमली इंडिविजुअल एंड सोशलिज्म फॉर ए मिडल पाथ बिटवीन दम इट इज इन फैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स और साथ में इट गिव्स इक्वल इंपोर्टेंस टू बोथ इंडिविजुअल एंड द स्टेट और ये दोनों को इम्पोर्टेंस देती है और इसके अलावा जो है स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी आ जाएगा तो वेलफेयर स्टेट इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट इट फंक्शंस थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड इन ए डेमोक्रेटिक वे

कॉम्युनिटी दैट इज गवर्नमेंट एंड नो इंडिविजुअल कैन होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड सर्टन लिमिट सो देर फॉर इट इज गवर्नमेंट हु यूटिलाईज दीज रिसोर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर अब देखो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि जो इन रिसोर्सेज को यूटिलाईज करे सोशल वेलफेयर के लिए तो कलेक्टिव ओनरशिप हो गई अकेले किसी की ओनरशिप नहीं काउंट हो गई ऐसी इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल इक्वालिटी है

प्लान फॉर द इकॉनमी जिसका काम होता है पूरी प्लानिंग uh, uh, के लिए प्लान करना होता है कि वेन सब कुछ जो है ना प्राइवेट हो जाता है उसमें और आप जितनी मर्जी अर्न करते जाओ चाहे कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड हो जाता है लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है हम कहते हैं सबको साथ लेके चलो भाई तो इट मीन्स दैट लैक ऑफ कॉम्पिटिशन एज एज स्टेट इज द सोल एंटरप्रीनर क्योंकि स्टेट के हाथ में पावर होती है यानी जो सरकार होती है उसके हाथ में पावर होती है तो इसलिए जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखने हैं और ये आई थिंक सो आपके लिए बेस्ट आंसर होंगे अगर आप इनको एग्जाम में लिखते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूँगा बट देर इज नो एंड स्टिल सम वीडियोज आर कमिंग चाहे वो इंग्लिश की हैं चाहे ये वाली है तो आपको हेल्प मिलती रहेगी सो थैंक यू वेरी मच एंड है वेरी नाइस डे